हेलो दोस्तों, वार्म वेलकम टू माय चैनल श्रेया इजी होम किचन। तो आज मैं आप सबके लिए बनाने आई हूँ फ्रूट कस्टर्ड। तो चलिए बनाते हैं फ्रूट कस्टर्ड। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक पतीला या कढ़ाई जो हमें गर्म करना है, और उसमें हमें मिल्क ऐड करना है। मैंने आधा किलो मिल्क लिया है। आप यहाँ पे अपने ज़रूरत के अनुसार भी मिल्क ले सकते हो। मैंने यहाँ पे लिया 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर में चिल्ड मिल्क। ऐसे हमें मिल्क के साथ घोलना है। और मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच और हाफ रन। हमेशा याद रखिएगा मिल्क का मज़ा ठंडा होना चाहिए, कस्टर्ड पाउडर घोलने होने में हमें गाँठे पड़ जाएंगे। अब हमें इसे मिल्क में डालना है, बॉयल हुए हुए मिल्क में ऐसे हिलाते रहना है। तब तक मैंने अपने फ्रूट्स कट कर ली थी। यहाँ पर मेरे पास एप्पल रिंग कटर थी, तो मैंने एप्पल का बीज वगैरह सब निकाल लिया। छोटे छोटे क्यूब्स में मैं एप्पल को कट कर लूँगी। यहाँ पे मैंने लिया है एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज। आप कोई भी फ्रूट्स ले सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो। देख सकते हैं आप, हमारा कस्टर्ड बहुत अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। हमारा कस्टर्ड बहुत ही अच्छे तरीके से गाढ़ा हो रहा है। इसे थोड़े देर हम और पकाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 छोटी इलायची। मैंने 1 कटोरी शुगर लिया था, पर मैंने थोड़ा सा बचा लिया क्योंकि मुझे लगा थोड़ा सा शुगर ज़्यादा है। इसे मैं 1 उबाल आने तक और पकाऊंगी। देख सकते हैं हमारा कस्टर्ड गाढ़े होने लगा है बहुत ही अच्छे तरीके से। इसे 5 मिनट के लिए और हमें 1 उबाल आने तक पकाना है। उसके बाद हमारा कस्टर्ड बिल्कुल अच्छे से पक के तैयार है। देखिए हमारे फ्रेंड्स, 1 उबाल आ चुकी है। अब हम कस्टर्ड को एक बॉल में सर्व करेंगे और इसे रेफ्रिजरेटर में कम से कम 30 मिनट से लेकर 1 आवर तक के लिए रहने देंगे। मेरा कस्टर्ड बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो गया है। 30 मिनट के बाद मैंने इसे निकाल के देखा तो बहुत ही अच्छे से सेट हो गया था। अब हमें 1 कटोरी ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रूट्स को सर्व करेंगे और उस पर हम अपने चिल्ड कस्टर्ड को सर्व करेंगे। और जो भी फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हो आप दे सकते हो इसमें, और हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ड्राई फ्रूट्स से एंड डेकोरेट करेंगे। हमने हमारे कस्टर्ड को अच्छे से डेकोरेट कर लिया है। एंड सॉरी फ्रेंड, मैं यहाँ वीडियोस को फॉरवर्ड करके बना रही हूँ क्योंकि जब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप सब बोर हो जाओगे। तो हमारा कस्टर्ड बिल्कुल तैयार है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलना।